मैं ऑलरेडी इस लाइन ड्रॉ को तैयार किया पेंसिल कलर के माध्यम से। ये ब्लू लाइन, फिर येलो लाइन, साड़ी के लिए रेड लाइन, येलो लाइन, जिधर डार्क रहेगा उधर थोड़ा ब्राउन, इस तरह से मैंने तैयार किया। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने इसे कैसे बनाया तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। मैं कुछ इस तरह इसे बनाया, एक डिजिटल ड्राइंग बनाया, फिर इस पर ग्रेड लाइन डाला, फिर इसे रफ पेज में बनाया, उसके बाद फिर इस रफ स्केच को मेन ड्राइंग पेपर के ऊपर रख करके इसके लाइन के ऊपर ओवर राइट कर दिए एक किसी भी पेन से या फिर बिना रिफिल वाले पेन से। इससे यह होगा नीचे जो रखा ड्राइंग पेपर है उस पर एक निशान सा आ जाएगा, उस निशान के ऊपर पेंसिल कलर से लाइन ड्रॉ करूँगा। लाइन ड्रॉ तैयार होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अब कलरिंग शुरू करते हैं। शुरुआत किया हूँ लाइट ब्लू कलर से। अब इसे पहले टिश्यू पेपर से ब्लेंड करूंगा। शेरुलियन ब्लू कलर से थोड़ा डार्क सेट करूंगा। अगेन टिश्यू पेपर से सेरुलियन ब्लू कलर का जो शेड है उसको ब्लेंड करेंगे। और ज़्यादा डार्क शेड के लिए प्रशियन ब्लू का यूज़ करेंगे। फिर से ब्लेंड करेंगे।
फिर डार्क ब्लू पेंसिल कलर से डिटेलिंग करेंगे। अब स्काई ब्लू से थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं। यहाँ लाइट ब्लू का यूज कर रहे हैं। नेक के पास जरा और डार्क कर लेते हैं, इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्रशियन ब्लू पेंसिल कलर का। अब कृष्ण जी को ब्लैक पेंसिल कलर से हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे लाइट पिंक कलर का यूज करेंगे। अब यहाँ रेड कलर करेंगे। नाउ हाइलाइटिंग विथ ब्लैक। अगेन लाइट ब्लू पेंसिल कलर से थोड़ा और डिटेलिंग को सही कर देते हैं। यहाँ रेड का यूज करेंगे। येलो कलर से इसका ऑर्नामेंट्स बनाएंगे और उसके बाद कुछ कुछ डिटेलिंग और भी कलर का यूज करके करेंगे, जैसे ब्लैक और ब्राउन का। कृष्ण जी का हेयर को ब्लैक ऑयल पेस्टल से आप कलर करेंगे, फिर उसके बाद डिटेलिंग के लिए पेंसिल कलर का, ब्लैक पेंसिल कलर का यूज करेंगे। बांसुरी को मीडियम येलो और ऑरेंज कलर से कलर करेंगे।
ब्लेंड करने के लिए टिश्यू पेपर को मैं कुछ इस प्रकार फोल्ड करता हूँ ताकि छोटे एरिया पे कोई दिक्कत ना हो ब्लेंड करने में। सेम कलर का पेंसिल से डिटेलिंग करेंगे। डार्क शेड के लिए ऑरेंज कलर करेंगे। बांसुरी में डिजाइन और डिटेलिंग के लिए ब्राउन कलर का यूज करेंगे। यहाँ अब मीडियम येलो, ऑरेंज और ब्राउन कलर का यूज करेंगे। ब्लैक पेंसिल कलर से हाईलाइट करेंगे। मयूर पंख में पर्शियन ब्लू, डीप ग्रीन, ऑरेंज और डार्क वायलेट का यूज करेंगे। यहाँ हम पेन ब्रश से व्हाइट वाटर कलर का यूज करेंगे। वीडियो अधिक लंबा जा रहा है इसलिए आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।